नमस्कार साथियों, मैं प्रतीक अग्रवाल चाईबासा का रहने वाला हूं और मैं एक्साइटी कॉलेज ऑटोनोमस से बीबीए की पढ़ाई कर रहा हूं। आज हम यहां एक्साइटी के लोगों से मतदान के विषय पर उनकी विचारधारा जानेंगे। लेट्स हियर फ्रॉम आवर प्रिंसिपल। फॉर मी इलेक्शन इज अ इंडिविजुअल राइट ओवर एडल्ट एंड इट इज अ मस्ट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। वी हैव द फ्रीडम टू चूज आवर लीडर्स हु विल स्पीक our voice, who understands our mind and our struggles and our freedom. Thank you. अब हम हमारे कॉलेज के लाइब्रेरियन मिस्टर नवल सर से जानेंगे कि मतदान के विषय पर उनकी क्या राय है। आज के डेट में मतदान उस तरह महत्वपूर्ण हो गया है जैसे हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी काम करते हैं, नौकरी करना, पढ़ाई करना है और घर की जिम्मेदारी समझना, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमें लोभ लालच से पड़े हमें मतदान करना आवश्यक है, जिससे कि हम एक अच्छा नेता चुन करके और केंद्र में हम भेज सकें। जो भी हमारा केंद्र का कार्य है, वो एजुकेशन है या फिर हॉस्पिटल बनाना है, जितने भी सरकार के द्वारा चित काम है, उसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। इसलिए हमें बिना लोभ लालच के पड़े हुए मतदान जरूर करना चाहिए। हेडिंग टुवर्ड्स प्रोफेसर रितिका सिंह, As the general elections are approaching, voters' motivation is required. So let's know her view on this. Today, I urge you to embrace the power of your vote. It is not just a right, but a responsibility, a chance to improve your future. Reject disinterest and doubt, and let's make our voices heard. So register, educate yourself, and vote. Let's make a better tomorrow. Thank you. विलियम जी से जानते हैं कि मतदान के विषय पर उनकी क्या विचारधारा। मैं विलियम ढूंढूँ। मैंने अभी तक 5वां मर्तबे वोटिंग किया। मैं और लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि अपना वोट कीमती वोट समझ के वोट करें। तो आइए अब हमारे एक्साइटी कॉलेज ऑटोनोमस के छात्रों से जानते हैं कि मतदान के विषय पर उनकी क्या विचारधारा है। वी आर द फर्स्ट टाइम वोटर्स। वी अपील द फर्स्ट टाइम वोटर्स टू वोट एंड वी आर वेरी एक्साइटेड।